आज के टाइम में भी आप AI यूज नहीं करते हो तो मेरे दोस्त आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और स्किल्स से वंचित हो, मतलब आपको पता भी नहीं है आप क्या क्या काम यूं आसानी से कर सकते हो सिर्फ AI का थोड़ा सा इस्तेमाल करके। और सिर्फ ChatGPT से आज के टाइम में काम नहीं बनने वाला है, और भी बहुत टूल्स आ गए हैं काम करने के लिए और आपके काम को आसान बनाने के लिए। ये वीडियो मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो कॉलेज में हैं या अपनी जॉब के साथ अदर कोर्सेज कर रहे हैं। इस वीडियो में कुछ ऐसे AI टूल्स के बारे में बताऊंगा विच विल मेक योर वर्क मोर क्रिएटिव, और मेहनत के काफी सारे घंटे आपके बच सकते हैं इससे। हाय, मेरा नाम है प्रतीक चौधरी एंड यू आर वॉचिंग अनकट। सबसे पहले आता है स्क्राइब। ये हेल्प करेगा आपको जब आपको कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड विजुअली इम्पैक्टफुल बनानी रहेगी। आपको ऐसे स्टेप्स बताने रहेंगे जो भी आप चाहते हो अपने ट्यूटोरियल के अंदर ऐड करना, और फिर ये उन सभी स्टेप्स को कन्वर्ट कर देगा एक इम्प्रेसिव और इजी टू अंडरस्टैंड गाइड में। इसका मतलब अब आगे से कोई भी डिवाइस या कोई ऐप या कोई भी चीज़ कैसे एक्सेस करनी है ये किसी को समझाना रहे तो सिंपली scribehow.com पर जाके एक अच्छा सा ट्यूटोरियल बना लेना जल्दी से, फिर एक को समझाओ या 10 को, काम और मेहनत दोनों कम हो जाएंगे। सेकेंड इज supermeme.ai। ये है बढ़िया चीज, क्योंकि लोग वैसे तो कहते हैं ना कि मीम बनाने में क्या है, आसान सा काम है, लेकिन ये टूल सही में आपके लिए मीम बनाएगा और काम आपके लिए आसान हो जाएगा। इस टूल को बस टेक्स्ट देना रहेगा जो आपको अपने मीम पर डालना है, और फिर ये आपको काफी सारे ऑप्शंस दे देगा जिसमें से आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से जो आपको ठीक लग रहा है। चलो फिर बन जाओ मीम लॉर्ड अपने बैच के। थर्ड टूल इज poised.com। ये टूल हेल्प करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करने में। आपको यहाँ बस अपनी वीडियो अपलोड करनी है जिसमें आप कुछ बोल रहे हो, और फिर ये एनालाइज करके आपको फीडबैक देगा कि आप कैसे अपनी स्पीच बेटर कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कैसे बात कर सकते हैं। आपकी टोन, वॉइस मॉड्यूलेशन, स्पीकिंग पैटर्न, कहाँ कहाँ दिक्कत है सब बताएगा ये आपको, और ये आपको ना सजेशन भी देगा कि आप इन दिक्कतों को कैसे ठीक कर सकते हो आगे चल के। इन केस आपको कम्युनिकेट करने में दिक्कत महसूस होती है, अनकंफर्टेबल लगता है इंग्लिश में बात करने में, तो ये टूल आपके लिए ही है। अच्छे से गाइड करेगा आपको बिना जज किए। अब देखो, ट्यूटोरियल बनाना हमको आ गया है, मीम्स भी बन गए हैं और स्पीच भी सही हो गई है, तो कभी प्रेजेंटेशन देनी रही अच्छा परफॉर्म कर सकते हो आप उसके अंदर। लेकिन सोशल मीडिया का क्या भाई, कॉलेज में ये भी तो जरूरी होता है, और अब तो स्टोरी हो चाहे पोस्ट, हर जगह बड़े ध्यान से लोग म्यूजिक ऐड करते हैं, और बात आ जाए रील्स की तो और भी प्रेसाइज हो जाता है मामला यहाँ पर। तो यहां पर काम आएगा अपना चौथा AI टूल lalal.ai। ये साउंड ट्रैक और वोकल्स को अलग कर देता है चुटकियों में, और फिर आपको जो बेस्ट लगे अपनी वीडियोस के लिए वो आप यूज कर सकते हो। अब फिफ्थ टूल हेल्प करेगा पिक्चर्स बेटर करने में। देखो, कई बार ना नॉर्मल इरेजर टूल से फोटो में से अनवांटेड चीजें हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैजिक इरेजर के लिए ये ऐसा नहीं है। इसमें एक ब्रश मिलता है, यूज इट एंड जस्ट सिलेक्ट और सर्कल अराउंड द पार्ट जो आपको हटाना है, और ये AI टूल काफी सफाई के साथ वो काम आपके लिए कर देता है। अब वैसे तो ये AI इरेजर वाला फीचर काफी सारे फ्लैगशिप फोन्स के अंदर आ गया है, बट अगर आपके फोन में या कंप्यूटर के अंदर ये नहीं है तो ये वाला टूल आपके लिए काम कर जाएगा। अब हमारा छठा टूल उनके लिए जिन्हें ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, नहीं मतलब अटेंडेंस नहीं लगाएगा ये आपकी, और वैसे भी वो सब ना काफी पुराना हो गया है, टाइम गया अब ऑनलाइन लेक्चर्स का, सब कॉलेज जा ही रहे हैं आजकल। लेकिन अभी भी कुछ ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं और कुछ वीकेंड क्लासेस होती हैं जो ऑनलाइन रहती हैं, तो ज्वाइन करके छोड़ दो और इस टूल को उस क्लास या उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग दे देना बस। फिर ये अपना काम करेगा, उसे एनालाइज करेगा, और जो भी बात हुई है उस लेक्चर में वो आपको पॉइंटर्स के फॉर्म में लिख के दे देगा। अब बारी है लास्ट टूल की, और ये स्टूडेंट लाइफ की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, चीजें ऑर्गेनाइज्ड रखने की प्रॉब्लम, और इसी के चलते काफी इंपॉर्टेंट डेट्स, इवेंट्स और डेडलाइंस भूल जाते हैं लोग। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा meme.ai की हेल्प से। ये आपकी हेल्प करता है चीजें ऑर्गेनाइज करने में। कोई भी इंफॉर्मेशन उठाओ और वो इसको दे दो, टेक्स्ट हो या स्क्रीनशॉट, एनीथिंग, ये अपने आप AI की हेल्प से वो सब ऑर्गेनाइज करके रख देगा और सेपरेट इवेंट्स बना के आपको दिखाएगा। कोई जरूरत ही नहीं है फिर बार बार गैलरी या इंटरनेट ब्राउजर छानने की। सो दैट वाज इट, ये थे कुछ बढ़िया बेहतरीन AI टूल्स जो मुझे लगा अगर मेरी स्टूडेंट लाइफ में मेरे पास होते तो कितना ज्यादा सही रहता। लेकिन ये अगर अभी एग्जिस्ट करते हैं तो ये मैंने लिस्ट में डाल दिए आप लोगों के लिए। बाकी अगर आप और कोई बेटर AI टूल्स यूज करते हैं तो उनका नाम मुझे प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बता देना, क्योंकि और लोगों के लिए वो हेल्पफुल रहता है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही टेक कंटेंट के लिए अनकट को सब्सक्राइब कर लेना।